रिस्टोरेशन कॉमेडी या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर का, तो आइए इसे समझते हैं। रिस्टोरेशन कॉमेडी इज अ जॉनर, हाँ इसको जॉनर पढ़ा जाता है। जॉनर मीन्स एक तरह का प्रकार होता है, काइंड ए काइंड ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। ये इंग्लिश कॉमेडी का एक जॉनर या सब जॉनर कहा जाता है। इट वॉज परफॉर्म्ड इन द रिस्टोरेशन पीरियड, स्वाभाविक है इसके नाम में रिस्टोरेशन जुड़ा हुआ है, तो इसका ताल्लुक यानी संबंध जो होगा रिस्टोरेशन एज रिस्टोरेशन पीरियड से रहा होगा। और इस एज के टाइम पीरियड को लेकर भी आपको अलग अलग जगह दिखेगा, कहीं पर 1660 से 1700 तक रहता है, कहीं पर 1660 से 1688 89 तक रहता है, यहाँ पर हमने लिखा है 1660 से 1710 तक। ए सिनोनिम ऑफ दिस इज कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यानी रिस्टोरेशन कॉमेडी को कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा गया और मैनर का मतलब होता है व्यवहार, तो किसी का व्यवहार के ऊपर मॉक करना, मजाक उसका बनाना, तो वही हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहलाता है। द टर्म इज ऑल्सो रेफर्ड एज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स को एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहा जाता है। आप सेंटिमेंट शब्द से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। सेंटिमेंट मीन्स होता है फीलिंग्स इमोशंस, यानी इसमें इमोशंस को कोई जगह नहीं दी जाती है, यानी नहीं होता। अब समझो बात को, सिंपली हम समझते हैं इसको, जैसे कोई गिर जाता है तो उसके ऊपर हंसना क्या होगा, यदि सेंटिमेंट्स होगा तो वो हंसेगा कोई, क्या नहीं हंसेगा, तो हम उसके ऊपर मॉक करते हैं। किसी को गिरते देखकर हम बोलते हैं अंधा है क्या, सही से चलो ना, तो वैसे जो मॉक करते हैं तो वहाँ पर हमारे इमोशंस नहीं है। जो इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा। तो एक तरह से यही हम इसी से समझ सकते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में किसी के मैनर्स को मॉक करा जाता है, किसी के चाल व्यवहार, किसी के रहन सहन को मजाक बनाया जाता है। इट इज़ वेरी मच रियलिस्टिक, ये काफ़ी ज़्यादा इसका यथार्थवादी होता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सच होता है। एंड सेटायरिकल, स्वाभाविक है कॉमेडी है तो इसमें सेटायर हो, यानी व्यंग होगा ही, उपहास होगा ही, सेटायर शब्द से बना है सेटायरिकल। इट क्वेश्चंस, यह सवाल भी उठाता है, एंड कमेंट्स और टिप्पणी भी करता है अपॉन द मैनर्स एंड कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब हमने ब्रैकेट में रिचुअल्स लिखा है, रिचुअल्स मीन्स होता है रिवाज, तो किसी के मैनर्स और किसी के रिचुअल्स के ऊपर कमेंट करता है, ये टिप्पणी करता है। आप टिप्पणी समझ सकते हो, टिप्पणी अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। इट ऑफन टारगेट्स, और ये अक्सर जो टारगेट करता है वो कौन होता है, ग्रेटली सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल सोसाइटी। अब समझिएगा, हम ड्रामा सीरियल्स वगैरह देखते हैं टीवीज में, तो वो क्या होता है, किसके ऊपर उसमें किसके कैसे फैमिली के बारे में होता है, बहुत ही हाई क्लास नहीं दिखाया जाता है, जिसमें कि लाइक अच्छे अच्छे घर होते हैं, अच्छे रहन मतलब कपड़े आभूषण सब कुछ अच्छे अच्छे होते हैं। तो लोग जो होते हैं ना लिटरेचर में जो इंटरेस्ट लेते हैं वो मिडिल क्लास के होते हैं। अब मिडिल क्लास के लोग किसके बारे में जानना चाहेगा कि हाई क्लास के लोग कैसे रहते होंगे, उनका रहन सहन कैसा होता होगा। अब समझ लो बात को, फिल्मों में देखते होंगे, फिल्मों में जो चीज़ें दिखाई जाती है वो अक्सर होता है हाई क्लास लोगों के बारे में, क्योंकि देखो मिडिल क्लास की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, लोअर क्लास में उसको कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, तो हायर क्लास की लाइफ स्टाइल को जीना चाहता है, वो उस तरह से खुद को जीना चाहता है, इसी वजह से वो इसमें इंटरेस्ट लेता है। और यही कारण है कि इसमें अक्सर टारगेट किया जाता है किसको, ग्रेटली सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल सोसाइटी। तो सोफिस्टिकेटेड मतलब भी वही होता है बनावटी, जो बनावटी तौर तरीके से रहता है, जिसका जीवन काफ़ी ज़्यादा आडंबरों से भरा हुआ है। इट इज़ ए सटायर ऑफ फैशन, इसको फैशन का सटायर कहा गया, किसी के फैशन का मजाक बनाना, मैनर्स का मजाक बनाना, आउटलुक किसी के अपियरेंस का मजाक बनाना ऑफ द सोसाइटी। ये सब चीज़ें तो समाज में ही होती है। इट आल्सो कंटेन्स सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वर्ड्स, और इसका संबंध जो है कुछ ऐसे वर्ड्स से भी होता है जो कि अक्सर किसी को लाइक नहीं कहते हैं सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करना, शब्दों से किसी को भला बुरा कहना, वो भी खास तौर पर किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ कहना। ए वेल नोन फैक्ट अबाउट द रिस्टोरेशन ड्रामा इज दैट इट इज़ इमोरल, कभी कभी कहा जाता है कि रिस्टोरेशन ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इमोरल था। इमोरल क्यों, क्योंकि ये मैनर्स का मजाक बना रही है। अब किसी का मजाक बनाना मोरल थोड़ी होता है, मोरलिटी तो है नहीं, तो ये इमोरल एक एक्ट ही है। द ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस एज डिड नॉट एक्सेप्ट इमोरल एक्ट्स ऑफ द एज, उन इस एज के जो प्लेराइट्स थे, जो ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करा, उनके हिसाब से ये चीज़ें इमोरल थी। क्या क्या, जैसे गैमलिंग, जुएबाजी करना,
ड्रिंकिंग शराब पीना, मेकिंग लव प्यार व्यार करना है ना, एंड सीकिंग प्लेजर इन डिफरेंट थिंग्स और अलग अलग चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए गुनाह की तरह थी। ये वजह थी कि उनको क्रिटिसाइज किया जाता था। दे क्रिटिसाइज दीज एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओपिनियंस, अपने अपने ओपिनियंस के मुताबिक वो लोग इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते थे, किसी के ड्रिंकिंग को, किसी के गैम्बलिंग को, किसी के मेकिंग लव को, यानी इन चीज़ों को मजाक बनाया जाता था। दे नेवर टॉक्ड अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हालांकि उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि उन्हें क्या पसंद है पर्सनली या क्या नापसंद है, कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी कर रहा था उसका मजाक जरूर बनाया, उसको क्रिटिसाइज जरूर किया। दिस क्रिटिसिज्म वॉज लिमिटेड टू एरिस्टोक्रेट्स, और ये क्रिटिसिज्म सीमित था किन तक, एरिस्टोक्रेट्स मतलब होता है जो राजशाही परिवार थी, राजा का जो लोग सब था, एंड हाई क्लास सोसाइटी, हम पहले भी बताए कि हाई क्लास सोसाइटी को टारगेट करता है। दिस एज आल्सो विटनेस्ड द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल प्लेराइट, और यही एक एज था जिसमें कि एक महिला प्लेराइट उभर कर आई, जिनका नाम था एप्रा बैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है, आप ध्यान रख सकती हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल प्लेराइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एफ्रा बैन नाम इनका था। दिस वॉज द टाइम, यह वही समय था व्हेन चार्ल्स सेकेंड वॉज रूलिंग ओवर इंग्लैंड, चार्ल्स सेकेंड शासक था उस टाइम का, चूंकि 1660 में यही राजा बना था चार्ल्स सेकेंड। जस्ट बिकॉज द थिएटर्स रीओपेंड आफ्टर सो लॉन्ग, अब चूंकि थिएटर्स बहुत समय बाद ओपन हुए, देर वॉज ए डिमांड ऑफ प्लेज, मतलब एक मांग थी प्लेज के लिखे जाने की। द पॉपुलर प्लेराइट्स ऑफ दिस पीरियड वर, इस एज के जो पॉपुलर प्लेराइट्स थे वो कौन थे, जॉन ड्राइडन हो गए, जिनका एज जीवन काल 1631 से 1700 रहा, एथरीज विचरली एंड कॉन्ग्रीव, विलियम कॉन्ग्रीव नाम सुना ही होगा। दीज ऑल प्लेराइट्स वर राइटिंग कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये सारे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के प्लेराइट्स के तौर पर जाने गए, विच वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन एज, जो कि रिस्टोरेशन एज के दौरान पॉपुलर थे। दस दिस पीरियड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सब जॉनर ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का एक न्यू सब जॉनर इंट्रोड्यूस करा गया जो कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स था। इट ड्र्यू द अटेंशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस, ऑडियंसेस के ध्यान को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया। इट्स पॉपुलरिटी नेवर केम डाउन, इसकी लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई, यानी कभी भी कम नहीं हुई, आज भी इसको अच्छा ही सराहा जाता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया यहाँ पर, जैसे कि पहला है द कंट्री वाइफ बाय विचरली, विचरली के द्वारा लिखी गई, द वे ऑफ द वर्ल्ड जो कि विलियम कंग्रीव के द्वारा लिखी गई, द स्कूल फॉर स्कैंडल एंड द राइवल्स, ये दो कॉमेडी ऑफ मैनर्स प्ले हैं जो कि रिचर्ड ब्रिंसले सैरेडन के द्वारा लिखी गई, सी स्टूप्स टू कंकर बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने इसको लिखा, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट, ये दोनों प्लेज आपको मेरे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे आप इन्हें देखना चाहे तो। ऑल दो सम ऑफ देम आर रिटन इन द 19th century, हालांकि इनमें से कुछ 19th century में लिखी गई, येट दे आर कंसिडर्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, लेकिन फिर भी उन्हें कॉमेडी ऑफ मैनर्स कंसिडर करा जाता है, इंपॉर्टेंट कॉमेडी ऑफ मैनर्स प्लेज में गिना जाता है। शेक्सपियर्स मच एडो अबाउट नथिंग, उनका एक प्ले है मच एडो अबाउट नथिंग, कैन बी कंसिडर्ड द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन द इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के पहले कॉमेडी ऑफ मैनर्स प्ले के तौर पर देखा जा सकता है मच एडो अबाउट नथिंग, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। तो वास्तव में देखो, ये जो मच एडो अबाउट नथिंग है, उस टाइम में कॉमेडी ऑफ मैनर्स का कोई चर्चा ही नहीं था, ये जो नया कैटेगरी है ये डिस्कवर हुआ रिस्टोरेशन एज के दौरान, लेकिन इसी बेसिस पर यदि कैटेगराइज किया जाए शेक्सपियर के प्लेज को, तो मच एडो अबाउट नथिंग इसी तरह का एक प्ले है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि वो कंसिडर कर सकते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। लेट्स इट।